नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम जो है हमारे वेब डिजाइनिंग के कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो बेसिक, जिनको वेब डिजाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता है, वो जो है हमारे इस कोर्स को अगर साथ साथ में चलते हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स के एंड पे वो भी वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट जो है बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे। और साथ साथ में मैं जो है, आप इनके जो भी मैं आपको करके बताऊंगा, आप उसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस भी करेंगे तभी जो है आप उसके अंदर काफी अच्छे सक्सेस हो भी सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊं आपको, वेबसाइट जो वेब, पूरा वेब डेवलपमेंट है या वेब डिजाइनिंग है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है वेब डिजाइनिंग और दूसरा होता है वेब डेवलपमेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वेब डिजाइनिंग वो पार्ट है जहां पे हम जो है सिर्फ एक यूजर इंटरफेस यानी कि फ्रंट एंड ही डिजाइन करते हैं, उसको बैक एंड से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि कोई भी वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन डली हुई है वो जो है एक वेब डिजाइनिंग कहलाता है। तो वेब डेवलपमेंट जो है वो एक अलग पार्ट आता है जिसके अंदर फ्रंट एंड भी होता है और बैक एंड भी होता है। तो यहां पे मैं आपको बताऊं, जो फ्रंट एंड है वो पूरा का पूरा अलग डिजाइनिंग किया जाता है और बैक एंड जो है वो अलग डेवलप किया जाता है। तो यहां पे जो है फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ पूरा इंटरफेस किया जाता है और इंटरफेस करके जो है बैक एंड पे जितना भी डेटा है वो रियल टाइम के अंदर जो है फ्रंट एंड पे फैच किया जाता है, उसको वेब डेवलपमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है जैसे कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, तो अभी इतना ज्यादा हम डायरेक्टली इतना एडवांस नहीं जाएंगे। तो शुरुआत में जो है हम सिर्फ ये समझेंगे कि एक्चुअल में जो है इंटरनेट काम कैसे करता है। सो आज के वीडियो में जो है हम एक बिल्कुल बेसिक डिटेल समझेंगे कि इंटरनेट जो है वो कैसे काम करता है, वेबसाइट जो है वो किस तरह से काम करती है, उनके फंक्शनैलिटी क्या है, वो हमें समझना है आज के इस वीडियो में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो को जो है और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए, इसे इंटरनेट कैसे काम करता है, ये ब्राउजिंग जो है किस तरह से काम करता है, उसके लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है पूरा इंटरनेट काम करता है। सो दोस्तों, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है हमारे सामने, यहाँ पे ये है इंटरनेट ब्राउजर, जो कोई भी हो सकता है, कोई भी ब्राउजर आप ले सकते हैं। जैसे ही हम जो है हमारे ब्राउजर के अंदर किसी भी वेबसाइट को कॉल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम जो है nirankari.infotech.com को कॉल कर रहे हैं, जैसे ही वो हम जो है सर्च बार में उसके एड्रेस बार में लिख कर एंटर हिट करते हैं, तो ये जो है रिक्वेस्ट जाती है सीधा ISP के पास। ISP बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसके पास जाती है, चाहे वो मोबाइल से हो या फिर हमारे लैंडलाइन के थ्रू हो, वायरलेस हो, वायर्ड हो, कैसा भी हो, वो सीधा जो भी ISP है उसके पास पहुंचती है। वो ISP उस रिक्वेस्ट को जो है चेक करता है, ओके ठीक है, आपको जो है निरंकारी इन्फोटेक को जो है कॉल करना है, तो ये बोल सीधा का सीधा इसको क्या करता है, DNS सर्वर के पास रिक्वेस्ट को भेज देता है। DNS सर्वर्स वो सर्वर्स होते हैं जिनके पास पूरी जितनी भी डोमेन्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, उन सब के रिकॉर्ड इन DNS सर्वर्स के पास होते हैं। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, तो इनके पास जो है पूरा रिकॉर्ड जो है अपडेट रहता है, डिटेल होती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट इस DNS सर्वर के पास पहुंचती है तो ये DNS सर्वर क्या करता है, ओके उस रिक्वेस्ट को चेक करता है, आपको nirankari.infotech.com जो है उसके ऊपर जो आपको उसको सर्च करना है तो ठीक है। तो ये क्या कहता है कि मैं वो वेबसाइट जो है nirankari.infotech.com जो है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे उसका एड्रेस जरूर पता है, तो ये एड्रेस जो है उसको अपनी लिस्ट में से दे देता है और वापस वो एड्रेस लेके रिक्वेस्ट जो है इस वेब ब्राउजर के पास पहुंच जाती है। और रिक्वेस्ट क्या आ रही है, यहाँ पे ये एक IP एड्रेस आ रहा है, ठीक है। ये जो IP एड्रेस है, ये हर जितने भी वेबसाइट्स होती हैं उनका एक यूनिक IP एड्रेस होता है, ये वही रिक्वेस्ट है। तो जैसे ये रिक्वेस्ट आगे पहुंचती है तो ब्राउजर के पास पहुंचती है, तो ये ब्राउजर क्या करता है, उस IP एड्रेस को फिर रिक्वेस्ट भेजता है उस IP एड्रेस के साथ में। पहले इसने nirankari.infotech.com के साथ भेजी, अब जो है वो एक IP एड्रेस जो उसको मिला है उस IP एड्रेस के साथ रिक्वेस्ट भेजता है। वापस से वो रिक्वेस्ट हमारे ISP के पास जाती है,
अब आईएसपी देखता है ओके ठीक है आपको जो है इस एड्रेस पे पहुंचना है, तो वो हमारी रिक्वेस्ट सीधी इस सर्वर इस एड्रेस के ऊपर जो है फैच कर देता है। तो वो रिक्वेस्ट जाती है हमारे वेब सर्वर के पास, जहां पर जो है हमारा निरंकारी इन्फोटेक डॉट कॉम जो है वो होस्ट हो रखा है, जहां पे हमारी ये फाइलें पड़ी हैं उस सर्वर के पास ये पहुंच जाता है। तो वो सर्वर के पास जैसे रिक्वेस्ट पहुंचती है तो बोलता है ओके ठीक है आपको निरंकारी इन्फोटेक डॉट कॉम की जो पूरी डिटेल चाहिए है। तो ये क्या करता है वेब सर्वर, क्या करता है HTML CSS JavaScript जिस भी हिसाब से वो दिखना चाहिए व्यू होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अपन किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, राइट। हम जो है एक कुछ भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हम ऑर्डर देने के बाद जो है और जो भी है खाना बनने के बाद हमारे पास लेके आके सर्विस करता है उसको पता होता है कि किस तरह से सर्विस करना है। तो ये वेब सर्वर को भी उसी हिसाब से पता होता है कि कौन सी फाइलें जो हैं उसको इस रिक्वेस्ट के ऊपर भेजनी है। तो वो क्या करता है HTML CSS JavaScript जो भी फाइल्स उसके पास इस डोमेन से रिलेटेड होती हैं वो जो है उसको फैच करके दे देता है। और जैसे ही वो फैच करके देता है तो क्या होता है कि वो फाइलें हमारे वेब ब्राउज़र के पास पहुंच जाती है। फिर हमारा वेब ब्राउज़र जो है उन फाइल्स को उठा के एक वापस से रिक्रिएट कर देता है जिस हिसाब से वो डिज़ाइन करा गया था उसी हिसाब से वापस पूरे लेआउट्स इन फाइलों को इस्तेमाल करके वापस से हमारे को रिक्वेस्ट जो पूरा एक यूज़र इंटरफेस जो है वो हमें दिखा देता है। जैसे ही हमारे पास वो रीअरेंज करता है तो हमें जो है हमारी वेबसाइट जो है उसी रूप में दिखने लग जाती है जिस रूप में एक्चुअली उसको बनाया गया है, रिप्रेजेंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो दोस्तों यही है एक तरीका कि ये इंटरनेट जो है चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो वेब डिज़ाइनिंग हो लेकिन उसका जो प्रोसेस है प्रोसेस यही रहता है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये एक बहुत ही बेसिक डिटेल थी कि एक्चुअल में इंटरनेट पे जब हम ब्राउजिंग करते हैं तो ब्राउजिंग काम कैसे करती है ये पूरी डिटेल मैंने आज इस वीडियो में आपको बताई है। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें और पूरे कोर्स के साथ आप बने रहें। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक इस कोर्स में जाने वाले हैं। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो भी आकर अपने इस हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।